हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेनका वर्मा फ्रॉम ज्योति शिक्षण केंद्र इंटर कॉलेज भटेटा देवा बाराबंकी। आज का मेरा टॉपिक है रस। मैंने रस में आप लोगों को पहले ही बताया कि रस क्या होते हैं, उनके उत्पत्ति के कारण क्या है, उसके प्रवर्तक कौन है, ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर उसका वर्णन होता है और किन कारणों से वो जागृत होता है, ठीक। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगी कि विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, ठीक। मतलब मुझे आज आपको बताना है कि रस जो होते हैं उनके और कौन कौन से अंग होते हैं, जिसका मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा परिचय दिया है कौन कौन से होते हैं। आइए बताते हैं आपको रस के अंग। तुम देखी सीता मंदिर
ड्रग नहीं, ठीक है ना। इसमें आपका विभाव क्या होगा, विभाव हे खंडक हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मर गई। ठीक, आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें आपका विभाव क्या है। विभाव मैंने क्या बताया है, जिन वस्तुओं या पात्रों के कारण संजय के मन में भाव जागृत होता है। ठीक, तो भाव किसके कारण जागृत हो रहा है, जो श्री राम है वो खल को देख रहे हैं, देख रहे हैं और मधुकर अर्थात भौरों को देख रहे हैं, है ना। इन सबको देखते हैं तो उनके मन में जो होता है वो वियोग का भाव जागृत होता है। ठीक, और वो दुखी अवस्था में किससे पूछ रहे हैं, दुखी अवस्था में होता है खंडक से ही पूछ रहे हैं। ठीक, तो ये सारे कारण जो है वो क्या हो गए, ये सारे कारण जो हो जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे आपके विभाव। ठीक, मतलब उस जंगल का जो वातावरण है और जंगल में इधर उधर भटकना है और खा खंड से पूछना है, गौरव से पूछना है, तो ये सब आपका किसमें आ जाएगा, विभाव। ठीक, ये सब आपका आ जाएगा विभाव में। ठीक, विभाव आपके जो होते हैं, विभाव आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक, विभाव के प्रकार, भाव
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक, वह कारण ही क्या कहलाता है? वह कारण ही आपका आलम्बन विभाग कहलाता है। आलम्बन विभाग
क्या है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव क्या होता है आश्रय के मन में, ठीक आश्रय होता है उसके मन में जिन चीजों को देखकर भाव उद्दीप होते हैं या स्थायी भाव जागृत होते हैं, ठीक वो क्या कहलाता है आपका उद्दीपन विभाव कहलाता है। ठीक इसका क्या कहना जाएगा स्थायी भाव को स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारण होते हैं वह उद्दीपन विभाव आप लोग इसको क्या